डंकी मूवी आपकी फैमिली के लिए या फिर आप अपने मॉम डैड के साथ आराम से देख सकते हो कि नहीं, उसके लिए आपको मेरे वीडियो में पूरा एंड तक टिका रहना पड़ेगा। मैंने आपको पूरा आंसर दूंगा, अगर बीच में से स्किप विप किया तो फिर आप नुकसान में बैठोगे। उससे पहले राजू हिरानी के लिए एक छोटा सा तोहफा। इस फिल्म का नाम डंकी क्यों रखा गया है, इसका मतलब होता है डोंकी इमिग्रेशन। इसके ऊपर पूरी फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी के जो स्टाइल है इस फिल्म में पूरा झलकता है, जैसे अनकंडीशनल लव, इमोशनल ड्रामा, रियल स्ट्रगल ऑफ वीजा, एक्शन, कॉमेडी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। चलो मैं आप इस फिल्म के कहानी के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट हाफ में दिखाया है पंजाब का एक छोटा सा गाँव जहाँ दूसरा आदमी इंग्लैंड जाना चाहता है। फिल्म के ये 5 किरदार भी इसी उम्मीद से वहाँ जाकर अपने लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाए। कोई अपने प्यार के लिए जाना चाहता है, कोई पैसों के लिए। यूके जाने के लिए इनके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीजा लगवाना इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन मिलता है आईएलएक्स का एग्जाम देके स्टूडेंट वीजा पे। ये 5 लोग ये दोनों ऑप्शन से फेल हो जाते हैं। फिर इनके पास एक ऑप्शन आता है इलीगल इमिग्रेशन, जिसको डोंकी इमिग्रेशन भी बोलते हैं या फिर डंकी बोलते हैं। ये है पूरी फर्स्ट हाफ की कहानी। और वाकई में बोलू ना, ये कहानी आपको पूरे पकड़ के रखती है, सीट से हिलने नहीं देती और आपको उत्सुक कर देगी कि सेकंड पार्ट मतलब इंटरवल के बाद की कहानी देखने के लिए। अब फिल्म के सेकंड पार्ट में आता हूँ। एक्चुअली जो डंकी प्रोसेस जो दिखाया गया है वाकई में ये सेकंड पार्ट में आपको पूरा अच्छे से दिखाया गया है। ये जान हथेली पे रख कर बॉर्डर पे बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। फिर का ये कुछ दिनों का प्रोसेस नहीं होता है, ये काफी महीनों का प्रोसेस होता है। ये इस फिल्म में पूरा बखूबी तरीके से दिखाया गया है। इतने कठिन प्रोसेस करने के बाद ये इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और जब इंग्लैंड पहुंचते हैं तब इनकी आंखें खुलती है। जो जो इनको सपना दिखाया गया है जैसे इंग्लैंड में रह के ये बहुत लेविश लाइफ जिएंगे, पर वैसा होता नहीं है। वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से दिखाया है और वो जो इमोशन जो दिखाया है आपको वाकई में बहुत दिल को टच कर जाता है। चलो मैं आप अपने रिव्यू का कंक्लूजन में आता हूँ कि क्या ये फिल्म देखनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए, क्यों? स्टोरी बहुत दमदार है, आपके आंखें खोल देगी। जो वाकई में बहुत अच्छी तरह से आपको स्ट्रगल्स दिखाया गया है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रुलाएगा ये फिल्म, नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है। दूसरा है शाहरुख खान, मैं स्वदेश के बाद इनकी बेस्ट एक्टिंग ये फिल्म देख रहा हूँ, काफ़ी इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तीसरा है विक्की कौशल, बहुत छोटे रोल में आए हैं बट इतना असरदार उन्होंने एक्टिंग की है और जो उनका वो जो एक सीन दिखाया गया है वाकई में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को भी लिटरली उस समय आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बाकी सारे एक्टर्स ने अपने रोल में जस्टिफाई किया है और लास्ट में है राजू हिरानी। उनका जो डायरेक्शन है, जो उनका स्टाइल है वाकई में बहुत अच्छा है। मैं इस फिल्म को बोलूँगा आप प्लीज़ मस्ट वॉच, देखिएगा ज़रूर। और ये आप अपने फैमिली के कोई भी मेम्बर सबके साथ आप आराम से ये फिल्म देख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कोई ऐसे आलतू फालतू सीन्स नहीं है, बिंदास जाके देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिव्यू रेटिंग रूफ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सलार के रिव्यूज में हम मिलेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। मैं तो गया बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया भूल के जी, चंगा भला सी मैं लुट पुट गया।